बीजेडी ठारु बीजेपी अलकार होइछि। जदिओ विभिन्न प्रसंगरे एनडीए सरकार को बीजेडी समर्थन करि आसुछि, एमति अनेक दल एनडीए सरकार को प्रसंग भित्तिक समर्थन करुछन्ती। न्यूज 18 ओडिया को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार एहा कहिछन्ती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ओडिसा रो अस्मिता संकट रे होइछि, ओडिसा रो विकास करबा को हेले बीजेपी को थरे सुजोग देबा दरकार बोली कहिछन्ती प्रधानमंत्री। निर्वाचन फिक्सिंग कांग्रेस रो इस्तहार संपर्क रे बड़ खुलासा करिछन्ती मोदी। न्यूज 18 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। ओडिशा रे मेंट चर्चा को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखिछंती मंतव्य। ओडिशा को नहीं आपण केमिति देखुछंती ओ ओडिशा रे बीजेपी काहे कि बीजेडी थारु दुरै गला बोली प्रधानमंत्री को प्रश्न कर दैथिला। एही प्रश्नर उत्तर रे प्रधानमंत्री कहिछंती जे ओडिशा रे बीजेडी थारु बीजेपी अलगा रहिछि। विभिन्न प्रसंग आधार रे बीजेडी केन्द्र रो एनडीए सरकार को समर्थन करि आसुछि। एमिति अनेक दल रहिछंती जेउ माने प्रसंग आधार रे मोदी सरकार को समर्थन जणाय आसुछंती। बीजेडी सह ओडिशा रे आम संपर्क पूरा अलगा। ओडिशा रो अस्मिता एबे संकट रे, ओडिया भाषा विपद रे, ओडिशा रो लोके एहा को अधिक दिन धरि सहय करिवे नाही। ओडिशावासी बीजेपी को सुजोग देले ओडिशा को विकास रो शिखर रे पहुंचाइबु बोली मोदी कहिछंती। ओडिशा को कैसे देखते हैं? ओडिशा में आपने जो है बीजेडी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन, केंद्र में हमारा समर्थन किया था मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता बुरा राज्य के अंदर, हम बिल्कुल उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा के देंगे। विरोधी दल अभियोग करुछंती जे प्रधानमंत्री मैच फिक्सिंग करुछंती, ईडी सीबीआई एवं ईवीएम बिना आपण निर्वाचन रे जीति पारिबे नाही। एही प्रश्नर उत्तर रे प्रधानमंत्री कहिछंती जे सुप्रीम कोर्ट एहार उत्तर दे सारिछंती। ता छोडा 2014 रे कांग्रेस पाखरे ईडी एवं सीबीआई थिला, सेमाने काहे कि निर्वाचन हारि गले। जदि निर्वाचन ईडी सीबीआई द्वारा जीति हेउछि, ताहाले कांग्रेस बोधे ताकु अस्त्र करि बर्ष बर्ष धरि निर्वाचन जीति आसुथिला। उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। कांग्रेस इस्तहार प्रसंग रे प्रधानमंत्री कहिछंती जे निर्वाचन बेले सबु राजनैतिक दल जेउ इस्तहार प्रकाश करछंती तार तर्जमा मीडिया कले भल होता। मोदी अभियोग करछंती जे कांग्रेस जेउ इस्तहार आनिछि सेथिरे मुस्लिम लीग रो छाप रहिछि। भारत भली देशरे धर्म को आधार करी संरक्षण करिबा आदौ ठीक नुहे बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। एहा एससी एसटी आरक्षण उपरे विपद सृष्टि करिबो, ओबीसी को बंचिबा मुश्किल कर देबो बोली मोदी कहिछन्ति। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीग ही नीतियां उन्होंने अपना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई है, मुझे बताइए कि देश के लोगों को
ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। लगातार तृतीय थर क्षमता को आसिले लक्ष्य कौन रहिबो प्रश्नरे मोदी कहिछन्ति देश को विश्वर तृतीय अर्थनीति शक्ति रे परिणत कराइबा, प्रति घरे सोलार सिस्टम लगाइबा और जीरो इलेक्ट्रिक बिल देबा, जून 4 परे 103 रो काम कौन रहिबो एबे टू प्लान करि रखिछि बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 ओडिया।